खबर राजधानी देहरादून से है, जहां धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को जन प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर एक पत्र लिखा है। बता दें कि बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में सीट पर बैठने को लेकर विधायक विनोद चमोली के अधिकारियों के साथ बहस हो गई थी, जिसके बाद अब विधायक चमोली ने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधायक चमोली का कहना है कि सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जन प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर कई बार जन प्रतिनिधियों को अपमानित होना पड़ता है। ऐसे में प्रोटोकॉल को लेकर अगर एक नियमावली बन जाए तो शासन और जन प्रतिनिधियों के बीच कोई भी टकराव की स्थिति नहीं होगी और आपसी सामंजस्य भी बना रहेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और देखने में आता है कि समय समय पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार की बैठकें हों, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे विभागीय बैठकें हों, इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की है कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो, चाहे ऊपर स्तर पर हो, एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल का एक सिस्टम बन जाए और वो फॉलो किया जाए, ताकि आपसी जो टकराव इन विषयों को लेकर होता है और आपसी तालमेल में कमी होती है, फिर मन भी खराब होते हैं एक दूसरे से, फिर काम भी प्रभावित होते हैं, तो वो ना हो, सबका मान सम्मान बना रहे।